अस्सलामुअलैकुम तबलीग ऑफ इस्लाम के दोस्तों, भाइयों और बहनों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको फ़ज़ाइल रमज़ान की तरतीब व तरमीम बयान करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम्द व सलात के बाद ये चंद अहादीस का तर्जमा है जो रमज़ान मुबारक के बारे में वारिद हुई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात ने मुसलमानों के लिए हर बाब में जिस कदर फ़ज़ाइल और तरगीबात इरशाद फरमाई हैं, उनका असल शुक्रिया और कदरवानी तो ये थी कि हम इन पर मर मिटने के लिए कुर्बान हो जाएं, मगर हमारी कोताहियां और दीनी बेरगबियां इस कदर रोज़ अफजाओं हैं कि इन पर अमल तो दरकिनार, इनकी तरफ इल्फता और तवज्जह भी नहीं रही। हत्ता के अब लोगों को इनका इल्म भी बहुत कम हो गया है और औराक का मकसद ये है कि अगर मसाजिद के आइमा तरावी के हुफाज और वो पढ़े लिखे हजरात जिनको दीन की किसी दर्जा में है, अव्वालीन रमज़ान में इस रिसाला को मसाजिद और मजामे में सुना दिया जाए, तो अल्लाह की रहमत से क्या बाइद है कि अपने महबूब के कलाम की बरकत से हम लोगों को मुबारक महीने की कुछ कदर और इसकी बरकत की तरफ कुछ तवज्जह हो जाया करे और नेक अमाल की ज्यादती और बदअमालियों की कम का जरिया बन जाया करे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर हक ताला शानू तेरी वजह से एक शख्स को भी हिदायत फरमा दे तो तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से जो उम्दा माल शुमार होता है बेहतर और अफजल है। रमज़ान मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए हक ताला शानू का बहुत ही बड़ा इनाम है, मगर जब ही कि इस इनाम की कदर भी की जाए, वरना हम से महरूमों के लिए एक महीना तक रमज़ान चिल्लाए जाने के सिवा कुछ भी नहीं। एक हदीस में है, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल रमज़ान ही हो जाए। हर शख्स समझता है कि साल भर के रोज़े रखने का वारिद है, मगर रमज़ान मुबारक के सवाब के मुकाबले में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोग इसकी तमन्ना करने लगें। एक हदीस में इरशाद है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े और हर महीने में तीन रोज़े रखना दिल की खोट और वसाविस को दूर करता है। आखिर कोई बात तो है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रमज़ान के महीने में जहाद के सफ़र में बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार इफ्तार की इजाज़त फरमा देने के रोज़ा का एहतमाम फरमाते, हत्ता के हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्मन मना फरमाना पड़ता। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक गजवा के सफ़र में एक मंजिल पर उतरे। गर्मी नहायत सख्त थी और गुरबत की वजह से इस कदर कपड़ा भी सब के पास ना था कि धूप की गर्मी से बचाव कर लें। बहुत से लोग अपने हाथ से आफ्ताब की शुआ से बचते थे। इस हालत में भी बहुत से रोज़ेदार थे जिनसे खड़े हो सकने का तहम्मुल ना हुआ और गिर गए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक जमात गोया हमेशा तमाम साल रोज़ेदार ही रहती थी,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैकड़ों रिवायात में मुख्तलिफ अनवा के फजाइल नकल किए गए हैं, जिनका अहाता तो मुझे जैसे नकारा के इम्कान से खारिज है, लेकिन मेरा भी ख्याल है कि अगर इनको कुछ तफसील से लिखूं तो देखने वाले उकता जाएंगे कि इस ज़माना में दीनी अमूर में जिस कदर बेइल्तिफाती की जा रही है वो मोहताज बयान नहीं है। इल्म व अमल दोनों में जिस कदर बेराह रवि दीन के बारे में पढ़ी जा रही है वो हर शख्स अपनी ही हालत में गौर करने से मालूम कर सकता है। इसलिए 21 अहादीस पर इक्तफा करता हूँ और इनको तीन फसलों पर मुस्तकीम करता हूँ। फसल अव्वल, रमज़ान मुबारक के फजाइल में जिसमें 10 अहादीस मजकूर हैं। दूसरी फसल शब्बे कदर के बयान में जिसमें 7 हदीसें बयान हैं। तीसरी फसल में एतिकाफ का जिक्र है जिसमें 3 हदीसें हैं। इसके बाद खात्मा में एक तवील हदीस पर इस रिसाला को ख़त्म कर दिया। हक ताला शानहु अपनी करीम ज़ात और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल इसको कबूल फरमाएं और मुझ जैसे गुनाहगार को बख्श दें और बरकत से नवाज दें और गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।